मैं नहीं जानता आप क्या समझ रहे हैं, मैं कौन, क्या आशा कर रहे हैं, मैं क्या करने जा रहा हूं। आप शायद सोचते हो कि मैं इस नाटक में कोई एक निश्चित इकाई हूं, अभिनेता, प्रस्तुतकर्ता, व्यवस्थापक या कुछ और, परंतु मैं अपने संबंध में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता। उसी तरह से नाटक के संबंध में नहीं कह सकता, क्योंकि नाटक भी अपने में मेरी तरह अनिश्चित। उसका कारण यह है कि, परंतु कारण की बात करना बेकार है, कारण हर चीज का कुछ ना कुछ होता है। हालांकि यह आवश्यक नहीं कि जो कारण दिया जाए वास्तविक कारण वही, और जब मैं अपने ही संबंध में निश्चित नहीं हूं तो और किसी चीज के कारण आकारण के संबंध में निश्चित कैसे हो सकता है। मैं वास्तव में कौन, एक ऐसा सवाल है जिसका सामना करना इधर आकर मैंने छोड़ दिया। जो मैं इस मंच पर हूं वो यहां से बाहर नहीं हूं, और जो मैं बाहर हूं, खैर इसमें आपकी क्या दिलचस्पी हो सकती है कि मैं यहां से बाहर क्या हूं। शायद अपने बारे में इतना कह देना काफी है कि सड़क के फुटपाथ पर चढ़ते अचानक आप जिस आदमी से टकरा जाते हैं वो आदमी मैं। आप सिर्फ मुझे घूर कर एक बार देख लेते, इसके अलावा मुझसे कोई मतलब नहीं रखते। मैं कहां रहता हूं, क्या करता हूं, किसकी से मिलता हूं और किन किन परिस्थितियों में जीता हूं, आप मतलब नहीं रखते, क्योंकि मैं भी आपसे मतलब नहीं रखता। और टकराने क्षण आप मेरे लिए वही होते हैं जो आपके लिए मैं होता हूं, इसलिए इस समय जहां मैं खड़ा हूं वहां मेरी जगह पर आप भी हो सकते हो। दो टकराने वाले व्यक्ति होने के नाते आप में और मुझ में बहुत बड़ी समानता, यही समानता आप में और उसमें, उसमें और उस दूसरे में, उस दूसरे में और मुझ में। बहरहाल इस गणित की पहेली में कुछ नहीं रखा, बात सिर्फ इतना है कि विभाजित होकर मैं किसी न किसी अंश में आप में से हर एक व्यक्ति मैं, या इसका कारण यह है कि मैं नाटक के बाहर हूं या अंदर, मेरी कोई भी एक निश्चित भूमिका नहीं। मैंने कहा था कि नाटक भी मेरी तरह अनिश्चित। उसका कारण यह है कि मैं इसमें हूं और मेरे होने से सब कुछ निर्धारित या अनिर्धारित। एक विशेष परिवार, उसकी विशेष परिस्थितियां, परिवार दूसरा होने से परिस्थितियां बदल जाती, मैं वही रहता। इसी तरह से सब कुछ निर्धारित करता, इस परिवार की स्त्री के स्थान पर कोई दूसरी स्त्री किसी दूसरी तरह से मुझे झलती, या वो स्त्री मेरी भूमिका ले लेती और मैं उसकी भूमिका लेकर उसे झेलता। नाटक अंत तक फिर भी अनिश्चित बना रहता। अब ये निर्णय करना उतना ही कठिन था कि इसमें मुख्य भूमिका किसकी, मेरी या उस स्त्री की, या फिर परिस्थितियों की, या फिर तीनों के बीच उठते कुछ सवालों की। पर हो सकता है मैं एक अनिश्चित नाटक में एक अनिश्चित पात्र होने की सफाई भर पेश कर रहा हूं। हो सकता है ये नाटक एक अनिश्चित रूप ले सकता किन्हीं पात्रों को निकाल देने से, या फिर दो एक पात्र को जोड़ देने से, या कुछ भूमिकाएं बदल देने से, या फिर कुछ पात्रों को हटा देने से या बढ़ा देने से, या फिर परिस्थितियों में थोड़ा फेर कर देने से। हो सकता है आप पूरा देखने के बाद या उससे पहले ही कुछ सुझाव दे सके इस संबंध में। इस अनिश्चित पात्र से आपके भेंट इस बीच कई बार होगी।